राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत बच्चों के विकास और सीखने के विभिन्न आयाम पक्ष शामिल हैं, जैसे शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, साक्षरता, संख्या ज्ञान, संज्ञानात्मक, आध्यात्मक, नैतिक, कलात्मक एवं सौंदर्य बोध। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का उद्देश्य इन पक्षों के अंतर्गत बच्चों का अधिक से अधिक विकास करना है। ये विकासात्मक पक्ष परस्पर संबंधित एवं अंतर्निर्भर होते हैं। जीवन में आगे जाने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। ये सभी क्षेत्र विकास के तीन मुख्य लक्ष्यों के इर्द गिर्द सिमटे हुए हैं, जिनके अलग अलग उद्देश्य हैं, फिर भी इनकी सामूहिक ध्येय बच्चों का सर्वांगीण विकास है। आज की वीडियो में हम इन्हीं तीन विकासात्मक लक्ष्यों एवं संबंधित गतिविधियों को देखेंगे। विकासात्मक लक्ष्य संख्या एक, बच्चों के स्वास्थ्य एवं खुशहाली को बनाए रखना। हम सभी जानते हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य और खुशहाली की दृष्टि से उनके जीवन के शुरुआती वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें उनके व्यक्तित्व के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक पहलुओं का विकास शामिल है। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली से उनके आसपास के वातावरण एवं लोगों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया एवं अर्जित अनुभव निर्धारित व संपुष्ट होते हैं। इनसे उन्हें नई चुनौतीपूर्ण या तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने में मदद मिलती है। इसलिए ये विकासात्मक लक्ष्य है बच्चों के शारीरिक और गत्यात्मक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास जिसके अंतर्गत सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार जैसे एक दूसरे का ख्याल रखना, साझेदारी, दूसरे की मदद करना आदि, पोषण, स्वच्छता संबंधी व्यवहार और सुरक्षा शामिल इनके लिए नियमित रूप से अनुभव प्रदान करता है। इस विकासात्मक लक्ष्य के तहत की जाने वाली गतिविधियाँ एवं अर्जित अनुभवों के कुछ प्रमुख कौशलों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जैसे कि स्वयं के प्रति जागरूकता एवं सकारात्मक अवधारणा का विकास, आत्मनियमन, निर्णय लेने या समस्या हल करने की क्षमता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार का विकास, स्वस्थ आदतों का विकास, स्वच्छता, सफाई एवं आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता, स्थूल गत्यात्मक कौशल का विकास, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का विकास और आँखों हाथों का समन्वय। इन सभी दक्षताओं से जुड़े कुछ सीखने के प्रतिफल जैसे मौखिक और गैर मौखिक तरीकों के माध्यम से स्वयं की अभिव्यक्ति, हाव भाव, चित्रकारी, स्वतंत्र रूप से गतिविधियाँ करना, स्थूल गत्यात्मक कौशल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के संबंधित गतिविधियों को पूरा करना, बुनियादी स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रथाओं को अपनाना और प्रदर्शित करना, नियमों का पालन करना, गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूकता प्रदर्शन करना, विविध पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के प्रति संवेदनशीलता और स्वीकृति के भाव का प्रदर्शन करना, कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना, विकल्प बनाना और उन विकल्पों की जिम्मेदारी लेना, साथियों और अन्य लोगों की मदद करना, समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव देना, आयु के अनुरूप समायोजन करना और विभिन्न गतिविधियों में रचनात्मक रूप से भाग लेना। तो ये था पहला विकासात्मक लक्ष्य, बच्चों के स्वास्थ्य एवं खुशहाली को बनाए रखना। इसमें क्या क्या शामिल है हमने जाना। तो जैसे दूसरा हम डेवलपमेंट गोल देखते हैं, विकासात्मक लक्ष्य बच्चों का प्रभावशाली संप्रेषक बनना। आइए देखते हैं इसको, थोड़े डिटेलिंग करते हैं, विस्तार में जानते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है। बच्चों की संवाद करने की क्षमता, उन्हें स्वयं को व्यक्त करने, दूसरों को समझने, गंभीर रूप से सोचने, समस्याओं को हल करने और संबंध बनाए रखने में मदद करती है। किसी भी भाषा में बोलना, उसका उपयोग करना और उसका आनंद लेना सीखना साक्षरता का एक महत्वपूर्ण एवं पहला कदम है और ये पढ़ना एवं लिखना सीखने का आधार भी है। जैसे जैसे छोटे बच्चे दूसरों से बात करना शुरू करते हैं, किताबों के साथ समय बिताते हैं और ड्राइंग तथा स्क्रिबलिंग के लिए विभिन्न लेखन उपकरणों के साथ प्रयोग करते हैं, वे प्रभावी संप्रेषक बनना सीखते हैं। जब वयस्क बच्चों को बात करने और पढ़ने लिखने की गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करते हैं तो वे भाषा और साक्षरता के अधिग्रहण को प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों के साथ सार्थक रूप से जुड़ने और बातचीत करने के लिए शिक्षकों को भाषा सीखने की बुनियाद को समझना होगा और साथ ही कक्षाओं में बच्चों के सार्थक रूप से जुड़ने
और बातचीत करने के लिए शिक्षकों को भाषा सीखने की बुनियाद को समझना होगा और साथ ही कक्षाओं में बच्चों की सीखने की क्षमता को पहचानना होगा। बुनियादी वर्षों के कार्यक्रमों में बुनियादी साक्षरता संबंधी कौशल विकसित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, जो बच्चों को सफलतापूर्वक बोलना, सुनना, समझ के साथ पढ़ना और किसी प्रयोजन से लिखना सीखने में सक्षम बनाता है। प्रमुख दक्षताओं जैसे दूसरों के साथ बातचीत में संलग्न होना, कहानियों और कविताओं, तुकबंदी में रुचि व्यक्त करना, उचित स्वरों के साथ कविताओं का पाठ करना, क्रियाएं करना, कहानियां सुनाना, प्रिंट जागरूकता की समझ के साथ प्रिंट को पढ़ना, लेखन में रुचि लेना, भाषा का उपयोग करना, अधिक सटीकता के साथ स्क्रिबलिंग करना, ड्राइंग और लेखन का प्रयास आदि बच्चों द्वारा हासिल किया जाना चाहिए। तो अभी हमने दो विकासात्मक लक्ष्यों की बात की, उनको डिटेल में जाना, होप आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। अभी इस वीडियो में हम थर्ड गोल की ओर बढ़ रहे हैं और डिटेल में जानेंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तीसरा डेवलपमेंट गोल है बच्चों के सीखने के प्रति उत्साह प्रदर्शित करना और अपने आसपास के परिवेश से जुड़ना। अब हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ कवर होती हैं। जब बच्चे 5 से 6 वर्ष के होते हैं तब तक उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से संख्याओं, आकृतियों, रंगों, पैटर्न, स्थान आदि का कुछ ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो जाता है। उन्होंने संख्याएं, कैलेंडर, कैलकुलेटर, घड़ियां, अक्षर, प्रतीक आदि देखे होंगे और उनके पास तुकबंदी, गीत और कहानियों का भंडार भी होगा। वे अंकगणित से जुड़े कई कार्य और खेल भी खेल चुके होंगे, जैसे कि ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखना, रंग, पत्थर आदि को व्यवस्थित करना, जिसमें सबसे नीचे सबसे बड़ा और सबसे छोटा शीर्ष पर रखा गया है। वस्तुओं, ब्लॉकों, खिलौनों आदि को समूहबद्ध करना और छांटना शामिल है। इस प्रकार बच्चों की आगामी शिक्षा उनके विकास के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने की उनकी नैसर्गिक सीखने की क्षमताओं पर आधारित होनी चाहिए। उन्हें वस्तुओं को पता लगाने और खोज करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसे स्पर्श और महसूस करना, वस्तुओं के शब्दों की ध्वनि सुनना, वस्तुओं के चित्र देखकर पहचान, प्रतीकों को पहचानना, उलझनों, पहेलियों, भाषा के प्रयोग आदि के माध्यम से समस्या के समाधान के दौरान वे क्या करते हैं इसके बारे में सोचना और बात करना। बच्चों में जन्म से ही नैसर्गिक जिज्ञासा और आसपास के परिवेश की व्याख्या करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता होती है। ये प्रत्यक्ष अनुभव और भौतिक जल, वायु, ऋतु, सूर्य, चंद्रमा, दिन रात, सामाजिक, मैं, परिवार, परिवहन, त्यौहार, सामुदायिक सहायक इत्यादि इत्यादि और प्राकृतिक वातावरण, पशु, फल, सब्जियां, इटीसी इत्यादि के साथ परस्पर संवाद के माध्यम से मजबूत हो जाता है। जब वे वयस्कों के साथ संवाद करते हैं और तत्काल पर्यावरण के साथ परस्पर संपर्क में रहते हैं तो सीखने को बल मिलता है। बच्चों को अवधारणाएं बनाने में मदद करने में भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रक्रिया बाद में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन के सीखने में मदद करती है। कक्षा एक और दो में पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं को भाषा और गणित के साथ एकीकृत किया जाता है। मस्तिष्क तंत्रिका विज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि संख्यात्मकता एक जन्मजात क्षमता है और प्रारंभिक संख्या ज्ञान रोज ही सहज रूप से विकसित होता है। यह ज्ञान शुरुआत में कमजोर और अधूरा हो सकता है और इसे सबल बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा संबल साथियों, शिक्षकों और माता पिता, देखभाल करने वालों से मिल सकता है। तुलना करने, साझा करने, आदेश देने, पैटर्न बनाने जैसे सहज संख्यात्मक कौशल को रोजमर्रा के कार्यों में एकीकृत करने की आवश्यकता है। मिलान, गिनती, संख्या बोध, आकार, स्थानिक बोध, माप और पैटर्न के विशिष्ट सीखने के अनुभवों की रूपरेखा बनाना भी महत्वपूर्ण है। रोजमर्रा की बातचीत में गणित वार्ता स्पष्ट उपयोग बुनियादी संख्यात्मकता को बढ़ाने के साथ साथ स्कूली शिक्षा के लिए सहज पारगमन यानी स्मूथ ट्रांजिशन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जाना जाता है। विकासात्मक लक्ष्य 3 से संबंधित कुछ सीखने के प्रतिफल के एग्जाम्पल अगर बात करें हम तो आप देखेंगे पर्यावरण का पता लगाने के लिए सभी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, तत्काल परिवेश के विशिष्ट पहलुओं का वर्णन करना, संज्ञानात्मक कौशल का प्रदर्शन जैसे तुलना, वर्गीकरण, व्यवस्था, स्पष्टीकरण, समस्या समाधान आदि, पर्यावरण संबंधी मामलों के प्रति जागरूकता का प्रदर्शन, निष्कर्ष निकालना, ये भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं।
तो आज हमने डिटेल में चर्चा की तीनों विकासात्मक लक्ष्य है, तीनों का आपस में क्या अंतर संबंध है, तीनों के सीखने के प्रतिफल क्या हो सकते हैं। ये हमें आगे की कार्य योजना में या जो निपुण भारत को इम्प्लीमेंट करने में मदद करने वाली जान आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। आप इसे उम्मीद है कि साझा करेंगे सभी के अन्य साथियों के साथ भी। चलो कीजिए लाइक सब्सक्राइब, जिससे कि इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करता रहूं। तो बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।